बलकांसा की थाली, बलकांसा की थाली, कना मुंड का पाली। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं हमेशा इसी तरह लेट ही उठता हूँ और सामने दादाजी हल लगा रहे हैं। उन्होंने मुझे आवाज़ मारी, आ जा भाई जल्दी थोड़ा मदद करने, तो जा रहा हूँ मैं अभी हल लगाने उनके साथ। ये सामने लगा रहे हैं दादाजी हल, और आप देख सकते हैं दोस्तों धूप काफ़ी अच्छी खिल चुकी है और ऊपर ऊपर पहाड़ साइड अभी भी हल्का फुल्के बादल लगे हुए हैं। मौसम ऐसा है दोस्तों आजकल की, सुबह धूप खिल जाती है, शाम को फिर बारिश, रात भर बारिश और फिर सुबह धूप खिल जाएगी। तो मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जुकाम वगैरह भी लगा हुआ है और हल्का सा बुखार भी आ रहा है। चलो अभी जाते हैं खेतों की तरफ और हल लगाने चलते हैं दादा के साथ थोड़ा मदद करने। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों मैं विक्रम पहाड़ी देवभूमि उत्तराखंड से, दोस्तों मैं हूं उत्तराखंड टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र ग्राम सभा तुनियार से, और आप देख सकते हैं उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियां। आजकल ये मंदिर का काम भी चल रहा है और बरसात की वजह से अभी काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अभी ऊपर का छत नहीं डाला है, बाकी कम्प्लीट हो चुका है। और ये जो पठार होते हैं, पहाड़ी भाषा में हम पत्थरों को पठार बोलते हैं, एक किस्म से टाइल्स, और ये ऊपर से अभी रखनी है छत के रूप में। ऊपर साइड सारे खेत दूसरे गांव कपलों वालों के, गांव उनका उधर है, पर उन्होंने सारे खेत बंजर छोड़ दिए। अब एक खेत है इनका, ये हमने कर रखा, और आप देख सकते हैं 3 महीने पहले मैंने यहाँ बोया था ये जो झंगोरा मिक्स वगैरह सारा बहुत, झंगोरा दाल मारछू, और आप देख सकते हैं इतना बड़ा हो गया है और चारों तरफ हरियाली है भाई, हरियाली हरियाली है, हरा भरा। अब पहाड़ों में भाई धूप के टाइम दिन में या कभी भी निकल रहे हो तो साथ में लट्ठी होना जरूरी है, क्या पता सर्प महाराज मिल जाए, सांप मिल जाए। तो भाई ऐसे कई जानवर होते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए एक लट्ठी साथ में ज़रूरी होनी चाहिए। इतनी बरसात हो रही है 2-3 दिन से, अभी तक गाढ़ नहीं आई। पहले तो भाई बहुत जल्दी गाढ़ आ जाती थी, लगभग 1 महीना पहले ही गाढ़ आ जाती थी, और भाई इतनी गाढ़ आती है कि क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। अभी तो दोनों तरफ झाड़ियाँ इतनी है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा चौड़ाई है और काफ़ी ज़्यादा पानी आता है बरसात का जब गाढ़ आती है। पहुँच चुका हूँ दोस्तों मैं खेत में, दादा ने थोड़ा हल लगा दिया है, बाकी एक खेत ये है और एक खेत वो है, बस ज़्यादा नहीं है। बरसात हो रखी है आजकल तो हल लगाना ज़्यादा कठिन नहीं होगा, ईजी है। तो चलते हैं, मैं शुरुआत करता हूँ हल लगाने की। फाइनली दोस्तों यार ये खेत हमने लगा दिया है, फटाफट बैल भगाए मैंने और एक खेत कंप्लीट कर चुके हैं, और बाकी अभी एक खेत है, उसके बाद एक खेत और है। शक्ल देख सकते हैं आप कितना पसीना आ रहा है। मैंने ये पहना था कि हाथ काले नहीं होंगे, हल्के से हाथ बचा लें, पर इतने मच्छर हैं इधर, इतने मच्छर हैं, उन्होंने डन डस के पूरा हाल कर दिया है। अभी दादाजी लगा रहे हल इधर, इसके बाद मैं ही लगाऊंगा पूरा खेत, तो थोड़ा साइड साइड से लगा रहे हैं, उसके बाद मैंने लगाना है सारा खेत।
और दो खेत हमने कंप्लीट कर लिए हैं, एक वो और एक वाला। और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो मैंने ऊपर से रखा रुमाल। और यहाँ पे अभी गए हम तीसरे खेत में, तो इसको भी कंप्लीट करने के बाद सीधा जाएंगे घर। वो इधर सफाई करने पे वो जितना भी घास वगैरह होता है उसको छानने में। ये दोस्तों तोड़ दाल, और इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और दोस्तों ये लोग आए हैं, ये लगे हुए खेतों में, और मैं इनको कह रहा हूँ मैं थोड़ा गाना लगाओ, जो भी पुराने स्टाइल में गाना लगाते थे घास काटते समय या खेतों में काम करते समय। ये भी शर्मा रहे हैं, मैं लगाता हूँ अपने स्टाइल में। बलकांसा की थाली, बलकांसा की थाली, एक डोखोरो फंडा सभी का सभी कना मुंड का पाली। अरे बारे हारे भारे आडो खुर पंड यो हुई गिछान को दो, इतरी मुंड का पाली कर यो कुछ डुखरो मनी हो दो, इतरी मुंड का पाली कर डुखरो पंड कुछ नहीं हो दो। वैसे तो ऐसा निगाते हैं गाना, बस मैं ऐसे अपने हिसाब से ताल मिला रहा हूँ ऐसी फन के लिए, थोड़ा हंसी मजाक के लिए। चलो दादाजी ने इतना हार लगा दिया है अभी इस खेत में, और इसके बाद मैं लगाता हूँ। सारा हार लगा दिया है भाई, अब बैल को खोलते हैं और बैल को लेके जाते हैं सीधा घर, सामने घर पे। और ये अपने दो दोस्त भी आ रखे थे यहाँ चलने के लिए, तो इनको भी लेके घर चलता हूँ मैं भी। धूप हो रही है तो इनका भी टाइम हो चुका है, ये भी साथ साथ घर चलते हैं अभी। चलो भाई घर। और हल वगैरह लगा के मैं घर पे आ चुका हूँ, और मुझे जुकाम लगा तो नहाऊँगा तो नहीं, मैं बस मुँह हाथ धुल लेता हूँ और बाल वगैरह धुल लेता हूँ। हल लगाने के बाद हाथ पांव धुले, मेरा फ़ोन भी चार्ज उसी टाइम ख़त्म हो गया था, और यहाँ तो लाइट नहीं है क्योंकि हम आजकल छाने में यहाँ लाइट नहीं है, तो हम फ़ोन वगैरह चार्ज गांव से करके लाते हैं। तो मेरे पास पावर बैंक है तो मैंने पापा को पावर बैंक दिया था चार्ज करने के लिए, वो गांव गए थे। तो अभी शाम पे टाइम पे आए हो 6 बजे, तो अभी अपना फ़ोन चार्ज करके अभी मैंने लास्ट का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी मस्त हो रखा है, शाम का टाइम हो रहा है 6 और बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। आजकल ऐसी है डेली रूटीन इधर मौसम का, सुबह धूप खिल जाएगी शाम को फिर और रात भर बारिश लगती रहती है। और दोस्तों ऐसा मस्त मौसम हो पहाड़ों में, इस तरह हल्की फुल्की बारिशें हैं, ठंडा मौसम हो और हरा भरा और साथ में चाय हो तो अलग ही मज़ा है। तो चाय का टाइम हो रहा है अभी। और दोस्तों यार आज का ब्लॉग करते हैं पे ख़त्म, और दोस्तों यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यार सपोर्ट किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और भी दोस्तों तक मेरी वीडियो पहुँचे, और इस तरह पहाड़ की खूबसूरत हसीन वादियाँ के बारे में इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे आपको। और दोस्तों यार बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी के लिए चलते दोस्तों, बाय, लव यू।